अगर आप भी फंड्स इंड या ब्रोकिंग ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और आप किसी कारण से अपना फंड्स इंड या ब्रोकिंग ऐप को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में फंड्स इंड एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अपना फंड्स इंड एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ और आपको लाइव प्रोसेस करके बताता हूँ किस प्रकार से अपना अकाउंट क्लोज करनी होती है और इसका क्या प्रोसेस है। और सबसे ऊपर में अपना ईमेल आईडी और नीचे में पासवर्ड दे देनी है और उसके बाद साइनिंग कर लेनी है और यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे आपका यहाँ पे फंड्स इंड या ब्रोकिंग एप्लीकेशन जो ओपन हो जाता है तो आपको सबसे नीचे में टॉक टू अस वाला उसमें क्लिक करनी है और टॉक टू अस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेरीज का ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप स्टॉक से रिलेटेड किस पर क्वेरीज चाहते हो तो आपको स्टॉक वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है और अगर आप फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड क्वेरीज चाहते हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट वाला ऑप्शन में क्लिक करनी है और अगर आप एडवाइज ऑन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई क्वेरीज चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है और अगर आप अकाउंट सपोर्ट चाहते हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट सपोर्ट वाला उसमें क्लिक करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे आप अकाउंट सपोर्ट वाला उसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर केवाईसी रिलेटेड क्वेरीज और इसके अलावा यहाँ पे इंपोर्ट योर एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टू फंड्स इंडिया इसके बाद रिलेटेड क्वेरीज, तो जो भी आप यहाँ पे क्वेरीज चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले उसमें क्लिक करनी है। तो ये जो है यहाँ से सेंड हो जाएगा आप क्वेरीज और जैसे सेंड हो जाएगा तो आपके मेल आईडी पर इसका जो आंसर दे दिया जाता है फंड्स इंडिया के कस्टमर केयर द्वारा। तो अगर आप सेम इसी पर अगर स्टॉक सेलेक्ट कोई क्वेरीज चाहते हो तो यहाँ पर स्टॉक वाला उसमें क्लिक करनी है और यहाँ पर जो ऑप्शन शो कर रहा है इनमें से किसी को आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेरीज आपको मेल पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अकाउंट सपोर्ट वाले ऑप्शन में किसी प्रकार का अकाउंट क्लोज से रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं दिया है तो आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पर नीचे में इंटर योर क्वेरीज वाला ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्वेरीज अपना लिखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना क्वेरीज, आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट। लिखने के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक कर देते हो तो ये है फंड्स इंडिया के कस्टमर के पास चला जाता है, उसके बाद इसका आपको रिप्लाई दिया जाता है। तो क्या रिप्लाई आता है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने जो फंड्स इंडिया ऐप के थ्रू कस्टम क्वेरीज किया था कि मैं अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूँ उसका रिस्पॉन्स फंड्स इंडिया के कस्टमर के द्वारा दे दिया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया गया है और बताया गया है कि जो आपका नाम है अकाउंट का वो है मिस्टर आशीष और यहाँ पे मोबाइल नंबर में दे दिया गया और मेल आईडी और यहाँ पे एक्टिवेशन डेट दे दिया गया है और यहाँ पे एयूएम स्टेटस दे दिया गया है और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर क्वेरीज और यहाँ पे कमेंट में, तो मैंने अपना अकाउंट क्लोज के लिए जो मैंने कमेंट किया था तो यहाँ बता दिया गया कि अकाउंट क्लोज और रिक्वेस्ट जो मैं किया था वो डेट दे दिया गया है। और यहाँ पर नीचे में फंड्स इंडिया के कस्टमर केयर द्वारा बता दिया गया है कि फंड्स इंडिया का जो अकाउंट है वो लाइफ टाइम फ्री है और ना ही इसके कोई ट्रांजैक्शन और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लिए जाते हैं और इसका कोई डीएक्टिवेशन प्रोसेस नहीं है। ये अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, अगर आप इससे ट्रेड करते हो तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो एक्टिव रहता है, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक ये इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर आप फंड्स इंडिया ब्रोकिंग ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि फंड्स इंडिया अकाउंट का डीएक्टिवेशन क्या प्रोसेस है। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।